अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक कमेंट और शेयर करें। दमन में कन्या जन्म को प्रोत्साहन देने और लैंगिक असमानता को दूर करने की जारी सरकारी कोशिशों के बीच आज मेरी बेटी मेरा अभिमान कार्यक्रम हुआ। स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त उपक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद लालूभाई पटेल, स्वास्थ्य सचिव SS यादव, दमन म्युनिसिपल प्रेसिडेंट शौकत मिठानी, जिला पंचायत प्रमुख सुरेश पटेल, शिक्षा सचिव पूजा जैन ने अपने वक्तव्यों में बेटा बेटी में फर्क करने वाली सोच को बदलने पर जोर दिया। इस दौरान पिछले दिनों पैदा होने वाली बेटियों की माताओं को बधाई किट भी दिया गया, साथ ही बेटियों को 42,000 रुपयों के जीवन बीमा पॉलिसी भी प्रदान की गई। इसी क्रम में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। इन्हीं साइकिलों को लेकर इन छात्राओं ने रैली भी निकाली। इस रैली को सांसद लालूभाई पटेल और प्रशासक के सलाहकार SS यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरी बेटी मेरा अभिमान है कि नहीं? होना चाहिए ना। मेरी भी एक बेटी है और आप सब मेरी बेटी है, लेकिन मेरी एक अपनी बेटी है जो अभी है 9th क्लास में, तो आप ही की उम्र की है और सबसे ज्यादा घर में वही मेरे को खुशी देती है। सबसे ज्यादा मेरा ध्यान मेरी बेटी रखती है। सबसे ज्यादा शेयरिंग मेरे साथ अपने स्कूल की बातें, अपने दिन भर में क्या हुआ, बेटी करती है। इसी तरह से और मुझे बहुत अभिमान है बेटी पे कि मैं तो चाहता था कि एक बेटी हो जरूर, चाहे दो बेटी हो तो और भी अच्छा है। साथ साथ मेरे को लगता है कि फीलिंग्स भी बच्ची में ज़्यादा होती हैं, चाहे वो अपने परिवार का ध्यान रखने की हो, चाहे अपने पार्टनर का ध्यान रखने की हो, चाहे बच्चों का ध्यान रखने की हो, जो ममता प्रेम ध्यान वो रखती है वो कोई नहीं रख सकता है। मारी दीकरी मारो अभिमान जो प्रोग्राम होता आज, ये प्रोग्राम वालों भारत सरकार अने आपणा प्रसिद्ध ભગવત પટેલ ઓડિટોરિયમમાં આજે સાયકલ વિતરણનો પ્રોગ્રામ હતો। પહેલે સ્કૂલોમાં થતો હતો નાનો નાનો પ્રોગ્રામ, પણ યાદવ સાહેબ એમ કીધું કે લાલુભાઈ એ બડા પ્રોગ્રામ કહેવાય કે સારો, આ પ્રોગ્રામમાં દીકરીને હિંમત આપી, દીકરીને જીવનમાં શું તકલીફ પડે ખુલીને બોલી શકે એ બી સાથે આવી ગયું, અને સાયકલ પરથી દીકરી ઘરે પોતાની ઘરે કામ બી કરે અને સમય બચા માટે સાયકલ એને જલ્દી આવે કે દીકરી જન્મે એટલે એનું ધ્યાન રસોડામાં ઘર સાફ કરવાનું કપડાં ધોવું હોય છે લોકોનું, એ કુદરતી નેચર હોય, અને એના માટે આવું 5 કિલોમીટરથી 10 કિલોમીટર દૂર પડે તો આ સાયકલ પરથી સમય બચે અને જલ્દી સ્કૂલમાં ટાઈમસર આવી રહે અને ઘરનું કામ બી કરે, તો આવી રીતે આજે સરસ પ્રોગ્રામ જેવો આ પ્રોગ્રામને અભિનંદન ધન્યવાદ આપું છું। અગર આપકો હમારા ચેનલ પસંદ આયા હે તો પ્લીઝ YouTube પર સબસ્ક્રાઇબ કરે ઓર Facebook પર લાઈક કમેન્ટ ઓર શેર કરે। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है, सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहने तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना अच्छी आदत है। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है।
कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया, मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत।